Afternoon everyone, आज बहुत ही important दिन है, World Health Day है, स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य हमारा जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है। मैं आपको सिर्फ थोड़े शब्दों में ये बताना चाहूंगी कि आज इतनी जो बातें हुई उसमें दो बातें उभर के सामने आई हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की बीमारियां जो मलेरिया डेंगू जितनी चीजें हमें बताई गई बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, इनका उपचार होता है, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और दवाइयां लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि शारीरिक स्वास्थ्य की जो बीमारियां होती है, हमारी फिजिकल एलिमेंट जो है, ये सिर्फ 20% हमारी बीमारियों का हिस्सा है। सिर्फ 20% हम बीमार शारीरिक पड़ते हैं, तो फिर 80% क्या है? 80% क्या है? साइकोसोमैटिक, दिमाग और सोच से उपजी हुई तनाव के कारण जो परेशानियां शरीर में होती हैं, साइकोसोमैटिक, ये आज विश्व से ग्रसित है, इसकी चिंता की भी जरूरत है, इस पे जागरूक होने की जरूरत है। और वर्ल्ड हेल्थ कहता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि जन जन तक जाके, जड़ों तक जाके इस बात को फैलाए, और आज आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। जैसे पार्वती मैम ने कहा कि ब्लड डोनेशन के बारे में आप जागरूकता फैलाएंगे, वैसे आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य है तभी शारीरिक स्वास्थ्य है, और अगर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों स्वस्थ है तो आप सबसे खुश इंसान है, खुश, हैप्पीनेस। सो व्हाट इज दिस हैप्पीनेस? हमने हैप्पीनेस और वेलनेस को लेके एक मुद्दा बनाया, और हम बहुत आभारी हैं रेड क्रॉस के कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है, ताकि हम इसकी चेतना भी आपको दे सकें कि हैप्पीनेस और वेलनेस हमारा गोल है जीवन का। पास होना, फेल होना हमारा गोल नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, शादी करना, पिक्चरें देखना, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है हैप्पीनेस एंड वेलनेस। अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं तभी आप तनाव मुक्त है। कहते हैं तनाव मुक्त क्या होता है? बहुत बड़ी बातें होती है, एक घंटे का सेमिनार होता है, उसका जड़, उसकी उसका जो एसेंस है वो ये है कि आप जब खुश हैं तो आप तनाव मुक्त हैं, और जब आप तनाव मुक्त हैं तो आप जीवन में हर समस्या का सामना करने में सक्षम है, क्योंकि आपकी सोच सही काम कर रही है। और इस सोच पे ही आज पूरा विश्व की थ्योरी इस सोच पे निर्भर करती है। जैसे अभी एक अच्छी स्पीकर ने बताया कि बी पॉजिटिव, तभी आप मच्छरों से बचेंगे, तभी आपको जागरूकता आएगी, तभी आप ब्लड डोनेट करोगे, अगर आपकी सोच सही है तो। फिजिकली हेल्थ डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ। So, जरूरत है जागरूक होने की। अगर आपके आसपास कोई गुमसुम बैठा है, कोई चुपचाप बैठा है, कोई तनाव में है, कोई डरा हुआ है, गुस्से में है, ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ये सारे मानसिक रोग के लक्षण हैं। जागरूक होइए, उसको जागरूक करिए, और काउंसलिंग और अवेयरनेस के लिए लाइए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ही आपको शारीरिक तौर पर स्वस्थ बना सकता है, और तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं और वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने आए हैं। तनाव आपके जीवन के परफॉर्मेंस को गिरा देता है। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने जागरूकता है, जितनी आपने मेहनत करी है, उतनी परफॉर्मेंस आपकी नहीं हो पाएगी अगर आप तनावग्रस्त हैं। तो जरूरत है तनाव मुक्त रहने की, और तनाव मुक्त रहने के बस दो या तीन टिप्स होते हैं। नंबर वन, हर कुछ समय निकालिए अपनी खुशी के लिए और खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए गलत कदम नहीं उठाने हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू, कोई कहेगा मैम ड्रग्स ले ले, अल्कोहल ले ले, नहीं, वो मैन अडैप्टिव कोपिंग है। अडैप्टिवली खुश रहना, अच्छे सोच से, अच्छे विचारों से खुश रह के काम करिए। नंबर टू, प्रेजेंट में रहिए, पास्ट और भविष्य की बातें करना भूल जाइए। अगर आपका वर्तमान सही है तभी आपका आपका भविष्य सही होगा, और पास्ट इज गॉन, पास्ट को डिलीट करो, उसकी कल की बात नहीं करनी है, आने वाले कल की बात नहीं करनी है, आज की बात करनी है। अगर आज अच्छा है तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। 7 घंटे या 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए,
क्योंकि नींद से आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी ठीक होता है, रात की नींद बहुत जरूरी है. एंड से नो टू अल्कोहल, से नो टू ड्रग्स, से नो टू स्ट्रेस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से नो टू ऑल दीज यू नो मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एडिक्शंस. थैंक यू.